वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, अल्लाह के महबूब की उम्मती हैं, जिनको अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा, इतना नवाजा है कि आप सब लोग मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे नौजवान हैं, दुनिया देखी होगी, पढ़ी होगी, पढ़ा होगा, आप जानते हैं कि जितनी अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को नेमत अदा की है, अल्लाह का हमें शुक्र है। कौन सी नेमत है जो पाकिस्तान को, गैस हमारे पास, पेट्रोल हमारे पास, उसके अलावा दरिया हमारे पास, कोई भी जो मेंटेनेंस रिलेटेड इश्यूज है उनके ऊपर कभी इन्वॉल्व हो, बट अनफॉर्चुनेटली ये एक नीडेड रिक्वायरमेंट है कि एक यूनियन, एक रिप्रेजेंटेशन ऑनर्स की होनी चाहिए। तो अभी हमने जस्ट ऐसा जो हम फ्रेंड्स थे चार साल से साथ में लेके चल रहे थे, हमने कल डिसाइड किया कि हम इसको एक नाम देकर फॉर्मल ग्रुप बनाएं, इसके लिए हम शेडो कमेटी काम करेंगे जिसमें Baby, that.
हाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौके पर लब्बे कुशाई करने का मौका मिला है वो है यौम आजादी पाकिस्तान। आजादी वो चीज नहीं जो मिल जाए आसानी से, आजादी वो चीज नहीं जो मिल जाए आसानी से, हासिल होती है ये नेमत हिम्मत और कुर्बानी से। रमजान का महीना था, पाकिस्तान बनाने की खुशी मिली। हमारे बड़ों ने मेहनत से पाकिस्तान बनाया, हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी जिसको हम भूल नहीं सकते, क़यामत तक याद रखेंगे। कायदे आज़म ने मेहनत से लब खुशाई का मौका मिला है तो मेरा वजूद लड़खड़ा रहा है, मेरे हाथ लहूलुहान है, मेरा कलम आंसू बहा। मेरा जो आज मौजू गुफ्तगू है बिलख रहा है पाकिस्तान, बिक रहा है पाकिस्तान, अर्ज के हर तरफ से लुट रहा है पाकिस्तान। जिसे हम आज़ादी कहते हैं वो आज़ादी हमें किसी ने प्लेट में रखा नहीं दी बल्कि लाखों जानों का नजराना दिया। पाकिस्तान हम सबका पाकिस्तान हम एक उफ़क पर हैं, चाहे जाए।